नमस्कार आम सहर को स्वागत करछि मुनि विदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइन्स रो डीआरडीओ तथ्य लिंक घटना इंटरपोल रो सहायता लोडबे क्राइम ब्रांच विदेश लिंक थी पारो इन्वेस्टिगेट करबो इंटरपोल रहस्यमय महिलाको फोटो क्राइम ब्रांच हाथरे लागितबा सूचना एसीएफ सौम्यरंजन का मृत्यु घटना क्राइम ब्रांच पाखे पहुंचला विद्या भारती डीएफओ रोसेया लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट पुर्णा बयान सह लाइट डिटेक्शन ट्रस्ट रिपोर्ट को अनुधान करुछि क्राइम ब्रांच पुणी अशांत पिपिली थाना पर माधीपुर मतदान केन्द्र निकट में फुटला बोमा बोमामाड़ पर दुर्बृत्त फेरार भोटिंग पूर्व पिपिलीवासी मध्य भयर वातावरण जेलसिटे भोकर भूगोल पुओ को खावाक नपरबार मगणा खटवाई छाड़ आसला मां सुंदरगढ़ में खोलु जिला प्रशासन मिछ प्रचार सतकुमर बंगोपसगर पुणि एक लघुचाप प्रभाव में आज केन्ुर मयूरभंज सुंदरगढ़ में अति प्रबल बर्ष बुढ़ाबड़ों सुवर्णरेखा जलका नदी में आसीपे बना सेपटे हीराकुद खोलला दुईट गेट एवं देवी षोडश दिनात्मक पूजा आरंभ पुरी गजपति श्रीनर में श्रोत्रिय ब्राह्मण को वरण परंपरा राजगुरु पुरोहित सिंहस्थ छुआ गुआ नड़िया प्रदान करे गजपति महाराज सेपटे पुअर शुभ मनासी मना पूजा पु जयंती अवस्था डीआरडीओ तथ्य लिंक घटना इंटरपोल रो सहायता लोड़ क्राइम ब्रांच डीआरडीओ घटन बाहर विदेश लिंक से इंटरपोल रो सहायता लोड़ क्राइम ब्रांच खाली से नुहे जेहेतु बैंक अकाउंट फोन विदेश लिंक रही महिला विदेश रही ऑपरेट करुथिबारु क्राइम ब्रांच इंटरपोल रो सहायता ने तबे डीआरडीओ तथ्य लिंक घटना इंटरपोल रो सहायता लोड़ क्राइम ब्रांच डीआरडीओ घटन बाहरी विदेश लिंक आई इंटरपोल रो सहायता लोड़ क्राइम ब्रांच खाली से नुहे जेहेतु बैंक अकाउंट फोन विदेश लिंक रही महिला विदेश रही ऑपरेट करुथिबारु क्राइम ब्रांच इंटरपोल रो सहायता नेबो टेक्निकल डाटा अच्छे कि फर्दर वेरिफिकेशन पुणी दरकार पड़े आने अधिक आलोचना करने संतोष जेना रिपोर्टर आम सहित जोड़ संतोष जदि इंटरपोल सहायता निया जाउची क्राइम ब्रांच जदि इंटरपोल सहायता नौची तबे कौन सब तथ्य सामना को आसी पारे विशेषकर इंटरपोल सहायता नबार कौन आवश्यक पड़े देखो निश्चित भाव जेहेतु डीआरडीओ तथ्य लिंक घटन विदेश लिंक आसूची और क्राइम ब्रांच गोटे पर गोटे तदंत आग को बढ़ुच्छे और या भितर क्राइम ब्रांच इंटरपोल सहायता नौ बोली वर्तमान समय स्पष्ट भाव में क्राइम ब्रांच एडीजी संजीव पंडा कहते सबुठ बड़ कथ हूँ इंटरपोल सहायता इतिपाई निजी जितेबाला सीबीआई कोर्टर द्वारस्थ होगा इंटरपोल कथ कह विदेश लिंक या भितर आसूच अर्थात फरेन रु रही जड़े महिला ऑपरेट करुँचा पुणी देशर सुरक्षागत तथ्य जो लिक करने चेष्टा कर लगातार भाव में से टा दौले बाहा कथ कहते तापर जो माने डीआरडीओ रे कर्मचारी थिले सेमानकठु किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य हासिल करुथिले या भितरे जे आईटीआर रो निर्देशकंकर गतिविधि से माने हासिल करुथिले जे आईटीआर निर्देशक कुआडे जाउचंती कोन रहउचंती मिसाइल रो परीक्षण केमती होउची मिसाइल सेंटर केमती होउची एवं आईएसआई आईएसआई या पछरे थाई परे बोली वर्तमान समय आशंका कराउची एवं जेहेतु देशद्रोह मामला रहिची डीआरडीओ वर्तमान समय असुरक्षित होई पडिछि काईकना देखंतु लगातार भाव रे वर्षे भितरे देशर अनेक सुरक्षागत तथ्य लीक होईछि एवं ये रहस्यमय महिला
जो माने किसी डीआरडीओ कर्मचारी को ट्राप कर किसी तथ्य मध्य हासिल कर किसी टंका नेणदेण कर जो बैंक आकाउंट आ जो फोन से व्यवहार करुले जो फेसबुक व्हाट्सएप से लिंक थे तार आईपी आड्रेस खोजाप अर्थात तार आईपी आड्रेस क्यों महिला जनक कथबार्ता करुले से परिचय गोपन रखुले किसी देशर सुरक्षागत कथा जानापी से ट्राप्रे ये युवक मान पकईले निहत भाव में आम कहीपर जे इंटरपोल लिंक केत कथा आसला सामना को जो इंटरपोल सहायता निजी कहु सीबीआई थ्रो रे इंटरपोल सहायता नब ए आप जानते जे र एजेन्सी हो कि सीबीआई हो ये डायरेक्टली केबे भी कौन तदंतकारी अधिकारी या लिंक आसीपर नहीं जे सरकारी सहायता मध्य सरकारी सुजोग कम कहीं अन्य देश मैंने अच्छी सुरक्षागत कथा अच्छी किसी वैदेशिक व्यापार कथा अच्छी जो थे समस्त को सीधा सड़क टाणी हेनी कि क्राइम ब्रांच एडीजी संजीव पंडा जहाँ आज प्रतिक्रिया रही है जे सीबीआई सहायतार इंटरपोल पर्यंत इंटरपोल कंट्रोल कर प्रकृत ये महिला जनक किए किए बाहर आईपी आड्रेस कौ देश वर्तमान कोअर्डिनेट करुले अपरेट कि करुले जहाँ कहुच्च जे ये महिला होती पाकिस्तान और पाकिस्तान ये महिला जनक डीआरडीओ तथ्य लिक करने चेष्टा करुले एथपाई जो मैंने वर्तमान समय गिरफ होती से किसी टंका देते किसी लोभन अफर जो से ट्राप करुले वर्षे भितर क्यों तथ्य सब लिक सुरक्षागत दृष्टि आउ किसी सुरक्षा दिगरे देश आगे कि डीआरडीओ को सुरक्षित रखापी आउ किसी घटना कर आईटीआर निर्देशक कौन सब ये हाक् कर जो फोन हाक् करते संपृक्त युवती कौ आईपी आड्रेस रु सुरक्षाकर्मी फोन को हैक कले कहीं डीआरडीओ गोटे संवेदनशील घटना जो देशर मिसाइल परीक्षा होती देशर मिसाइल गुड़िक गच्छित रोचे एटी देशर सुरक्षा कथा और देशर भविष्य कथा अच्छी देशर भविष्य देशर सुरक्षा दिग्गे जो आँच आसी भाव में देशद्रोह मामलें खूब शीघ्र जो अभियुक्त गिरफ्त होती से विरोध में चार्जसीट दाखल होने सहित बर्तमान आउ थ किसी रिमाण्रे आसवा दरकार कि कहीं प्रथम रिमाण्रे आसवापी और सबुठ बड़ कथ परिवार जो रहस्यमय युवती जनक ट्राप्रे पकईले फसापी चेस्टा करुले टा पैसा बाहर लोभ देख डीआरडीओ किसी तथ्य लिक करुले कहुच्छ से महिला फोटो वर्तमान समय क्राइम ब्रांच हाथ में लग सारी से फोटो आधार में से आईपी आड्रेस आधार में जो फेसबुक आकाउंट अच्छी जो आईपी आड्रेस अच्छी जो फोन अच्छी या लिंक में इंटरपोल सहायता नहीं संपृक्त युवती पाखे क्राइम ब्रांच पहुंच वर्तमान समय आशा कर ओके यहाँ लिंक माध्यम एवं विशेष करी इंटरपोल सहायता रे क्राइम ब्रांच से महिला को पाखरे पहुंची पार जेहेतु देशर भविष्य कथा एवं देश सुरक्षार कथा एभली जो डाटा लिक होने सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बड़ प्रश्न उठू बहुत बहुत धन्यवाद सन्तोष जेना आम रिपोर्टर बाबद आलोचना करते परवर्त खबर को आसवा एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु घटना आसला लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट क्राइम ब्रांच पाखे पहुंचला विद्या भारती डीएफओ और रशिया रिपोर्ट तदंतकारी टीम रिपोर्ट उपरे करुछि तर्जमा पुरुणा बयान सह लाइट डिटेक्शन रिपोर्ट को अनुदान करुछि क्राइम ब्रांच रिपोर्ट आसवा पर तर्जमा कर सूचना देखते क्राइम ब्रांच एडीजी रिपोर्ट आधार में खूब शीघ्र आगक बढ़ तदंत भुवनेश्वर में प्राय 4 घंटा धरी चलता विद्या भारती लाइट डिटेक्शन टेस्ट या पूर्व डीएफओ संग्राम किशोरी बेरा लाइट डिटेक्शन टेस्ट कर तीन जनकर आम जो लाइट डिटेक्शन टेस्ट करूँ एसएफएसएल तीन जन जगह रिपोर्ट आमको एसएफएसएल तरफ मिल सारी क्राइम ब्रांचर तदंतकारी दल ये तीन टा जाक लाइट डिटेक्शन टेस्ट रिपोर्ट और पूर्वर जो स्टेटमेंट रही बर्तमान तर्जमा करश्चित भाव तर्जमा आम कर कौन मिसमैच होता है जाकि आम अधिक बढ़ी पार रिपोर्ट तर्जमा करजमा करो लाइट डिटेक्शन टेस्ट करूँ एसएफएसएल आम सर समय छोट ब्रेक ब्रेक पर फिर किसी खबर देखा ब्रेक पर स्वागत पुणी अशांत पिपिली पुणी पिपिली रे बोमा विस्फोरण मंगलवार बड़ंगा थाना रे बोमा फुटीला आउ आज माधीपुर मतदान केन्द्र निकट में विस्फोरण माधीपुर छक रास्तार बोमार अंश ठाप कर तेज बोमामाड़ पर दुर्बृत्त
ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ରହିଛି। ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ। ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କିନ୍ତୁ ପିପିଲି ବଜାରଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପିପିଲି ଜଟଣୀ ରୋଡ୍ର ମାଦିପୁର ଛକରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପିପିଲିବାସୀ। ପ୍ରଥମେ ପିପିଲି ବିଜେପି ଅଫିସରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଓ ଏବେ ବର୍ତ୍ତିନି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ଆସିବା ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। ଆଜି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଢ଼ାବଳକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ଅନ୍ୟପଟେ ଉବୁଟୁବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ବିପଦ ସଂକେତ 630 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳସ୍ତର ସମାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ପୁଣି ଥରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ହୀରାକୁଦର ପ୍ରାୟ ଉବୁଟୁବୁ ପାଣି, ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। କ'ଣ କହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି, କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଯେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯିଏକି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳ ଏବଂ ଜଳକା, ଫଳରେ ସେଠିକାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ବର୍ତ୍ତି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସହର, କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ସହରବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଯେ କି ଏ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ନିବେଦିତା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେ ସହରରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କି ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି, ଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ବନ୍ୟା, ତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ବି ଆସୁଛି, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା କହିତେ ଗଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପନିପରିବା ଚାଷୀମାନେ ଯେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଚାଷମାନେ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଦର ଫତ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଦିନ ଡେଲି ଖଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବି ମାନେ ଜୀବନଯାପନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇଟା ହେଲା ରାଜରାସ୍ତା, ମାନେ ମାନେ ଫୁଟେ ଫୁଟେ ଖାଲଗୁଳା, ସରକାର ସବୁକିଛି ଦେଖିକି ବି କିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କାହିଁ ଆସିନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ରହିଲା ଚାଷୀ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସବୁ ମାନେ ଧାନଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ମାନେ କେତେବେଳେ ମାନେ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିଗୁଡ଼ା ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଯାହା କରିଥିଲେ ସବୁ ମାନେ କଲରା ହଉ, ପୋଟଳ ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗଛଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ମାନେ ଏକରେ କରୁଣା ଯେ ମାରିଲା, ଲୋକର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲା, ତାପରେ ବନିଆ ବାତ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିଲା, ମାନେ ଲୋକକୁ ମାନେ ଭିକାରୀରୁ ଆହୁରି ହୀନ କରିଦେଲାଣି, ମାନେ ଖଟି ଖାଇ ଲୋକମାନେ ମାନେ ମରିଗଲେଣି, ପରିବା ମାନେ ବିଲାତି ମାନେ ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା କିଣିତେ ଯିବେ 80 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା କିଲୋ କିଣିବେ, ଆପଣ ପନିପରିବା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ହାଇ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେନି, ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମାନେ କାଟିବ ମାନେ ଲୋକ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ଏଇ କାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣା କଥା, ତା ସହିତ ମୁଁ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମୟ ସୂଚନା ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପାଖାପାଖି ସକାଳ 10ଟା ସମୟରୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା କମିଛି, ବଜାର ଶୂନଶାନ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳକା ନଦୀ ଅଛି ପ୍ରମୁଖ 3 ନଦୀ, ଏଥିରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିବା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଯେଉଁ ସତର୍କ ସଂକେତ ଯେତେବେଳେ 9.45 ଏବେ ଅଛି ଏବଂ ତାର ବିପଦ ସଂକେତ 10.3 ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 6.32 ମିଟରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ବିପଦ ସଂକେତ 8.13 ଥିଲାବେଳେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 3.06 ମିଟରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଜଳକାର ବିପଦ ସଂକେତ 5.50 ଥିଲାବେଳେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 5.37 ମିଟରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ 3 ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝରରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏ ଯେଉଁ 3 ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଛି, କିନ୍ତୁ
बर्तमान किसी गाँव में बर्तमान लोक मान प्रकाश गोटे पटे बात्या परवर्ती समय बन्या लोक भय को आहरी बढ़ाई दुर्दशा को आहरी बढ़ाई तेणु केमती जलस्तर को पानी निष्कासन लोकों निकट में समस्त सुविधा पहुंची पार लोक स्थानातर जहाँ प्रशासन बड़ चैलेंज होती बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश महांती आम बाली रिपोर्टर ए बाबद आलोचना करते परवर्त खबर को सुंदरगढ़ में खोलु जिला प्रशासन मिछ प्रचार सत खबर पुणि थे स्मार्ट सिटी राउरकेलार मात्र 20 किलोमीटर दूर लाठिकटा ब्लक बिजुपत गांव आसी हृदय विदारक चित्र पुओ को खाइबा को दे नपरबार बणाई अंचल जनक घरे मागणा खटापी छाड़ आसी माँ पाखे एवं दुई झी अच्छा तीन वर्ष पूर्वे स्वामी छाड़गला घर बोझ माँ नीतिमा मुंडारी कम को गले घर चले चुली तेबे नहले भोकरे सुवंती समस्ते समस्त सरकारी योजना रो वंचित थिबा बळे गाँ मुंडरे झाटी उपरे पॉलिथिन टाणी रहउछंती नीतिमा ओ तांको दुई छ दुई साल होई गलानी एंतरी रोज आम घरे केही नंती छुआपिला तीनटा अछंती मु निजे काम करे करे सब छुआ को मु निजे चलाउछि जोटा कष्ट मु करैछि लालकला प्रतिनिधि अमेरिजन पड़ा आम सहित जोड़े अमेय जो चित्र बर्तमान सामना को आसुच्ची स्टील सिटी राउरकेलू जो प्रकृत में एत दयन स्थित लोके रोचान भोकर भूगोल कहुपे जो गोटे माँ से असहयलापर निज पु को मगणा खटा को छाड़ आसुच्छे अगर जनों घरे ये सरकार बास्तवता को पदार पकाने किए चित्र निश्चित भाव जहाँ कहले आप सत एक भोकर भूगोल कहले अत्युक्ति हम ना आ सरकार जो बास्तव चित्र को ये पूरापूरी ही पदार पकाऊ कि भाव जो विकास नारा सरकार रही जो विकास धारा जो रही केवल जो प्रचार प्रसार सीमित अच्छी ताए चित्र ही बयान करुच्छे कारण जड़े माँ गोटे छुआ को निज छुआ को पुणी अन्य जन घरे आम यदि कह बंधा दे आस तो केते दूर से माँ खाइबा को नपाई किभली भावे दयनीय अवस्था रे गति करथुवा एहा ही प्रमाणित करुच्छे तबे ये जो दृश्य सामना को आसी दृश्य सुंदरगढ़ जिले में जो डीएमएफ फांटी किभली भावे विनियोग होउछि सुंदरगढ़ जिले में जो विकास धारा केमती चली स्पष्ट प्रमाण ये चित्र ही बयान करुच्छे तबे केवल से अंचल जो नीतिमा मुंडारी कि गाँव रोसी लोक भी मौलिक सुविधा पाई एपर्तंत पीवा पा टोपाए ना से गाँव तो करेन्ट विद्युत भी ना कि जीवाई गाँव को मध्य रास्ता नहीं एमती समस्त प्रकार मौलिक सुविधा वंचित आई हूँ रघुनाथपल्ली एरिया दृश्य जो रघुनाथपल्ली एरिया तीन तीन थर विधायक हो सारे बीजेडी विधायक सुब्रत राय आई हूँ 21 वर्ष शासन ही दृश्य सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना आम सहित अच्छा धीरेन सेनापति कौन कह आज ये चित्र आप देखुले कि चित्र विषय जहाँ आप बुझुते ए जो चित्र ही बयान करुच्ची कि भावे सुंदरगढ़ जिलार विकास धारा चली तो देखला परे आश्चर्य लगुच प्राचुर्य भितर दरिद्रता आपण किस दिन तले कोईडारे भी आर्गस टीवी जो स्थिति देखते अपपुष्टि होता ये जो गाँ अच्छे यहाँ मात्र 20 किलोमीटर दूर राउरकेला गोटे स्मार्ट सिटी एटी कलेक्टर एटी एडीएम ऑफिस एटी वीडियो ऑफिस कलेक्टर लाठिकटर जो वीडियो ऑफिस अच्छे से 3 किलोमीटर दूर हम केमती देखिपना सरकार से गाँ कल्याण समिति कौन करेसन कौन कर सबुठ बड़ आश्चर्य कथा है जे एटी तीन तीन थर विधायक लगातार जितुंच विजु जनता दल 21 वर्ष शासन भितर 12.5 वर्ष बीजेडी विधायक ये अच्छा तो तेणु आपण एटी जो डिस्ट्रिक्ट मिनराल फंड अच्छी कुआडे गला विजु पक्का घर योजना ये घर अवस्था देखिले कुआडे गला से राशन कार्ड 97 लाख परिवार को राशन कार्ड ओडिशा सरकार कौन किंतु ये केमती ना पाखे आधार कार्ड अच्छी ना पाखे पाखे राशन कार्ड अच्छी ना चाउल अच्छी ना घर अच्छी केमती अवस्था आश्चर्य लगुच देखिले माने रियली माने एभली गोटे सभ्य समाज रे एभली स्थिति से पुणी 10 वर्ष बयस पिला को लेकिन निज पु को नहीं छेली चरिया को बणईरे छाड़ी आसी से गरीब स्त्री लोकटर आखिर लुह माने एटा असह्य हो पड़ुछ देखिले जिलापा विकास नारा कहते आम जिलार विकास करुचु पैसा खर्च करुचु लोक मान समस्त सुविधा जोगाई दे बिलकुल नुह एटा प्रचार सर्वस्व जिला से मुझे जाइए गाँ भर को बहुत जगह एपटे बंधमुंडा सैड्रु पछपट गले सब पुणी डिस्प्लेस लोक ये राउरकेला स्टील प्लांट जो तैयारी जमी सब जाने सेटल होना से इलेक्ट्रिक अच्छी ना रास्ता अच्छी कौन पर कहीं अवस्था करके रखी एडमिनिस्ट्रेशन ए सरकार तेणु मु बीडीओ को पाखे दाबी करुच्छे इमिडिएटली कौन विजु पक्का घर योजना जो चली आउ ए स्वास्थ्य कार्ड जो बांटुचंती
कोटी कोटी टंकार एडवर्टाइजमेंट करा छी सब बंद करा जाऊ स्टील सिटी रे एमते को चित्र सामना को आसीबा नियांति विडंबनार विश्व पूर्व सुंदरगढ़ कोइरार मध्य समान चित्र सामना को आसला अपपुष्ट शिकार रहितले तबे ये जो चित्र सामना को आसी कम से कम सरकार को निकट रे खबर पहुंचो एवं सरकार तंको सहाय सहयोग करंतो हम यही आशा करबा बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंज पडा रालकला प्रतिनिधि हम सतो जोडितले एवं आलोचना करथले से क्षेत्र रे अधिष्ठात्री मां बेमळांक पेठरे आज ठारो आरंभ होई छी 16 दिनात्मक पूजा ए अवसर रे गजपति सिनोररे श्रोत्रिय ब्राह्मण को वर्ण कराजिबार परंपरा रहिछि राजगुरु पुरोहित मानको गजपति महाराजक श्रीहस्त छुआ गुआ नडिया प्रदान करिवे गजपतिक प्रतिनिधि भाबे राजगुरु एही गुआ नडिया ब्राह्मण मानको दे वर्ण करिवे मां बिमळांक पीठ निमन्ते पूजक चणे परीक्षा चण्डी पाठ मंत्र जापक सहस्रनाम पाठकंको वर्ण कराजिब एथिरे एथिसहित श्रीमंदिर भितर बेढ़ा परिसरे मां भुवनेश्वरी मां बाटमंगला और माँ उत्तरायणी पीठ लगे पूजक और चंडी पाठक को वर्ण कर आलोक आशुतोष हम पूरी प्रतिनिधि हम सहित लाइव जोड़ आलोक देवी षोडश दिनात्मक जो पूजा रही है प्रकृत में कौन सब नीतिकांति कराए परंपरा कौन रही यार अधिष्ठात्री माँ बिमळांक पीठ से आज ठार् षोह दिन जाक पूजा आरंभ हम और पूजा मध्य आरंभ हो जहाँ षोडश दिनात्मक पूजा बोली कहुए यह अवसर में देखिले सकाळ सकाळ गजपतिर श्रीनहर से जो ब्राह्मण आचार्य मैंने से वरण कर गजपति महाराज जी रही राजगुरु राजगुरु से ब्राह्मण मान गजपति श्रीहस्त छुआ नड़िया और महार्द दे कि वरण कर श्रीक्षेत्र जो विभिन्न शक्तिपीठ रही यथा माँ सामयकाली पीठ हो दक्षिणी काली पीठ हो माँ रामचंडी पीठ हो कि माँ आलमचंडी पीठ हो कि माँ हरचंडी पीठ हो यार 16 दिन पर्यंत चंडी पाठ कर निश्चित भाव में ये नियारा परंपरा और श्रीक्षेत्र में माँ बिमळांकर मंदिर में दुर्गा माधव उपासना आम पूरापूरी दृश्य देखा चाहिए जेहेतु कोविड कटक समस्त पूजा अर्चना चलती आम अच्छे माँ श्यामाकाली मंदिर एठारे किसी समय पूर्व चंडी पाठ प्रक्रिया शेष होमें आलोचना कर माँ श्यामाकाली वरिष्ठ पूजक आम सहित अच्छा आज्ञा ये 16 दिन लगातार शक्तिपीठ से पूजा कराए किभली रही पूजा अर्चना पद्धति किसी समय पूर्व चंडी पाठ शेष हो चंडी पाठ तो शेष होवल सका माँ स्नान कले स्नान कर बेस है बेस होती आलती आलती चंडी पाठ आर जो मुख्य जो सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीन दिन जाक माँ स्वतंत्र भेष धारण करमिष भोग लगे प्रक्रिया कौन ये सप्तमी सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीन दिन प्रक्रिया सका गाधे माँ बेस आरंभ हम बेस आरंभ आरती हबार कथा हम समान भावे जेमती बिमळांक मंदिर रे पूजा करा जाय नीतिकांति रहिछि षोडश उपचार पूजा समलेश्वरी मंदिर रे मध्य समान भावे पूजा करा जाय आम प्रतिनिधि अछंती शुभश्री अछंती शुभश्री आपन निकट को जिबा को चाहबे शुभश्री कोन सब षोडश उपचार रहिता है विशेष करी मां समलेश्वरी को पीठ रे केमति कोन पूजा पूजा अर्चना करा जाय देखंतु निवेदिता आज ठू पार्वणर ऋतु आरंभ हो गत वर्ष कथा जदि आम कह समय प्रबल भिड़ देखा मिली था माँ का मंदिर रे बहुत भक्त श्रद्धा मैंने आसी था चलित बर्ष कोविड कटक सबकि नीति नियम को मानि बहुत कम संख्यक भक्त श्रद्धा आसवा देखा मिलूँ मंदिर साजसजा उपर भी ध्यान दिखाई एवं जदि देखा मंदिर रंग भी कर सारे वर्तमान मंदिर एवं पहड़ पड़ी तीन टा बेले मंदिर खोल जा आज पुओ जयंती रही माँ को जो रही षोडश पूजा विधि से राति ठीक आठटा बेलू आरंभ हो माँ को षोडश उपचार विधि षोह दिन धरी माँ को दीप प्रज्वलन तापरे जो रही आसंता 6 तारीख में रही माँ को महालया गंगा दर्शन जो दिन धवलमुखी बेसरे माँ को साधारण भक्त श्रद्धा मैंने आसी दर्शन करी मंदिर मुख्य पूजक मंदिर पूजक अच्छा प्रतिक्रिया नवा जे केमती कौन हिसाब से पूजा विधि अच्छी ये जो षोडश उपचार विधि रही कौन कौन कराए आज्ञा षोडश उपचार विधि आज आरंभ हो कौन कौन पूजा विधि रही आज सका माँ का जो षोडश पूजा मान विधि आरंभ है सका 4:30 माँ का फाट खोलगला तापर माँ को माने 4:30 माँ को
ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମହୁ ଅଗ୍ରୁ ମିଶ୍ରେ ପାଣିରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଗଲା। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ଦେବ ସ୍ନାନ କରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପାଟ ମାଆଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା ମାଆଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଗଲା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚଟାରେ ମାଆଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମାଆଙ୍କ ଛଅଟାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଖୋଲାଗଲା। ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଳତି ହେବ। ଆଳତି ପରେ ଆଳତିତ ହେବ ମାଆଙ୍କ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ମାଆ କାଳିଦେବୀଙ୍କ ଆଳତି ହେବ ସେଦିନ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଳତି ଭେଷ ହେଇକରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିବ। ତାପରେ ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜିଠୁ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ରାତି ଠିକ୍ 8 ବେଳକୁ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ସେସବୁ ବି କରାଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧି କରାଯିବ। ରାତି 8ଟାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏକଥା କୁହାଯାଇ ପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ରିପୋର୍ଟର ସଦାସହକ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରୁ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛୁ, ଆମ ସ୍ୱରକୁ ଏଠକୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।